दुनिया के सबसे पुराने फिल्म समारोह में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल 17 मई से शुरू हो रहा है। कांस फिल्म महोत्सव 75 साल का हो गया है। इस बार का कांस फेस्टिवल भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिल रहा है। इस बार यहाँ भारतीय कला संस्कृति की भी झलक दिखेगी। इस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर का आधिकारिक सम्मान मिल रहा है और ये सम्मान भारत के नाम गया है। इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर में आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक इंजीनियर नंबी नारायण की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में अभिनेता आर माधवन मुख्य भूमिका में है। फिल्म को हिंदी के साथ अंग्रेजी और तमिल में भी रिलीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, 22 मई को भारत को समर्पित हॉल में देश की अनरिलीज फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बार रेड कार्पेट में शामिल होने वाले लोगों में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान, फोक म्यूजिक सिंगर मेम खान, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित देश के कई बड़े कलाकारों के नाम हैं। वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दीपिका पादुकोण फ्रांस के कांस शहर पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि दीपिका फ्रांस की एक्ट्रेस विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। दीपिका पादुकोण कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर साल 2017 से जलवा बिखेर रही हैं। एक्ट्रेस का कांस में रेड कार्पेट पे हर लुक सुर्खियों में रहता है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार एक्ट्रेस किस तरह की ड्रेस पहनकर अपने फैंस का दिल जीतती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देसवा न्यूज़।